फेडरलिज्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द स्टेटमेंट, क्योंकि अब आपके एमसीक्यू फॉर्म्स हैं तो स्टेटमेंट को रीड करके आपने इसके लिए फोर बेस्ट जो ऑप्शंस होंगे उनमें से यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन. लाइक स्टेटमेंट इज, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो सपोज यहाँ पे मैं फेडरलिज्म वर्ड की जगह मैं आपको ये बोलती हूँ, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस यूनिट्स. तो आप ये याद रखो कि ऐसी कंट्री जहाँ पे पावर्स सेंटर और अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होती है उस कंट्री को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, और कौन सी कंट्रीज फेडरल है, बेल्जियम, यूएसए. ठीक है, हाँ जी. आगे फेडरल फॉर्म जो है इसके अलावा क्या कोई और भी फॉर्म होती है? यस, बेसिकली कंट्रीज जो है या तो कंट्रीज में होती है यूनिट फॉर्म या होती है फेडरल. अब मैं आपसे ये पूछूं, द गवर्नमेंट इन विच ओनली वन लेवल एग्जिस्ट, दैट इज सेंटर, दैट इज यूनिट फॉर्म, सिंगल सिंगल गवर्नमेंट वर्ल्ड आर ऑफ यूनिटरी. चाइना, चाइना में सिंगल गवर्नमेंट है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, चाइना में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, देन यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में फेडरल सिस्टम नहीं है, वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. जापान, यूनिटरी, वहां पे स्टेट्स नहीं है, जापान जो है वहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, एक ही लेवल है, दैट इज सेंट्रल. ऐसा उन कंट्रीज में होता है जिन कंट्रीज में एरिया भी कम होता है, पॉपुलेशन साइज भी कम होता है. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड डिफरेंट रिलीजियस टू हैव ओनली वन गवर्नमेंट. इसीलिए इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको बोलते हैं फेडरेशंस. तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेडरेशंस, हाउ मेनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स, एंड हाउ मेनी यूटीज, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, हाँ जी, बट जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थी ना, ठीक है, अब उसको स्टेट का स्टेटस नहीं मिला आर्टिकल 370 के बाद. पहले हमारी कंट्री में टोटल स्टेट्स कितनी थी, 29, जब तेलंगाना को ऐड किया था. तो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का स्टेटस नहीं दिया तो टोटल कितनी हो गई, 28 स्टेट. जम्मू एंड कश्मीर को टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड. ठीक है, वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंड इज लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया 370. ठीक है, हाँ, लेकिन एक को स्टेटस, एक का स्टेटस कम कर दिया, ये याद रखना. टोटल हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स, स्टेट्स का याद रखना, नहीं फेडरेशन के लिए मैं कह रही हूँ, है ना. ठीक है, हाँ जी, आगे बच्चे, नेक्स्ट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच आर द कंट्रीज हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें, हाँ, इसमें ऐसे याद रखो, इंडिया, बेल्जियम, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, SBI, ऐसे याद रखो, स्पेन, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, इंडिया एंड बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल कंट्रीज. ठीक है, हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फेडरेशंस जो हैं इनके रूट्स, हाउ मेनी रूट्स ऑफ फेडरेशंस आर, फेडरेशंस बनी कैसे. तो इसके लिए बच्चे आपने, यू हैव टू रिमेम्बर, फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर, एंड सेकंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ऐसे याद रखो, टू रूट्स,
How many roots of federations are? How federations were formed? Federations बनी कैसे हैं? उनके लिए basically there are two roots. ठीक है? तो सबसे पहले हमने बताना है coming together. Coming together का best example है USA. और holding together का best example है India. अब फर्क क्या है? Difference क्या है? दोनों ही countries जो हैं वो federation है. ध्यान रखना आप डिफरेंस देखो. दोनों ही कंट्री जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इसकी फुल ये अमेरिका जिसे हम कंट्री कहते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एरियाज. पता कितने? मोर देन 50 यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इसके लिए थोड़ी सी आपको अमेरिका की हिस्ट्री पता होनी चाहिए. अर्लियर अमेरिका वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन एंड मैनी कॉलोनीज, यानी जैसे इंडिया एक कॉलोनी है ना, मैनी कॉलोनीज ऑफ अमेरिका दीज वर कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन. लेकिन आपको याद होगा जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप जो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर में, सबसे पहले पिक्चर पढ़ी थी, कौन सी कंट्री लीडिंग थी? विच कंट्री वॉज लीडिंग? यूएसए. इसका मतलब है यूएसए बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो चुका था, मोनार्की सिस्टम खत्म हो चुका था, 1848 के टाइम से भी पहले यूएसए लीडिंग कंट्री था. तो ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था. यानी कि ये वो टाइम था जिस टाइम पर में अमेरिकन एरियाज वर कैप्चर्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज. वन बाय वन यूएसए गेन फ्रीडम. और इस तरह से पूरी अमेरिका के जितने भी एरियाज हैं, इन एरियाज को पहले ब्रिटेन के अंडर रखा गया था. नाउ दीज एरियाज बिकेम इंडिपेंडेंट. अब जो एरियाज इंडिपेंडेंट हो गए, प्रपिता मेयर, जब एरियाज इंडिपेंडेंट हो गए, यस कोई बात नहीं, ठीक है. एट दैट टाइम दीज एरियाज गॉट यूनाइटेड देमसेल्फ, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर ये यूनाइटेड ना होते, सेपरेट रहते, तो ब्रिटेन फिर से इन पे क्या कर सकता था? अटैक कर सकता था. बच्चे आप कभी भी नेट पे अगर फाइंड आउट करोगे ना, तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ यूएसए, नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर. इट मीन्स कंट्री का नाम क्या है? यूएसए, लेकिन टोटल स्टेट्स कितनी है? 50, ठीक है. और इसका मतलब क्या है? ये फेडरेशन हमारे इंडिया की फेडरेशन से डिफरेंट क्यों है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में ऑल द 50 स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि सपोज जो फर्स्ट कोई भी एक स्टेट है उसके 10 मेंबर्स है, तो दूसरे में भी कितने होंगे? 10. थर्ड में भी कितने होंगे? 10. तो टोटल एमपीज, एमपीज का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसमें सभी स्टेट्स को क्या मिला है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ये फर्क है. ऐसी कंट्रीज जब कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि वो अलग अलग थी, उन्होंने आपको अपने आप को इसलिए ज्वाइन किया, एक कंबाइंड कंट्री बनाया, ताकि वो ब्रिटेन से अपने आप को सिक्योर कर सके, ऐसी फेडरेशन को क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन. क्लियर? अर्लियर दीज कंट्रीज वर एरियाज वर सेपरेट, बट नाउ एट प्रेजेंट दीज कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड कंट्री. दैट इज नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मेन टू कंट्रीज हैं, यूएसए एंड कैनेडा. यूएसए एंड कैनेडा, तो यूएसए जो है दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर. सेकेंड आ जाओ होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग का मतलब होता है होल्ड करना. होल्ड करना का मतलब है कि इसमें क्या है, अब इसमें कमिंग टुगेदर में कोई भी जो है यूनिट अपने आप को स्ट्रांग नहीं कह सकता, क्योंकि सबके पास इक्वल पावर्स है. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं. इंडिया को जब फ्रीडम मिली 1947 में, ठीक है, इससे पहले इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. अब इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थी, मोर देन 400 प्रिंसली स्टेट्स. वो ना इंडिया में जाना चाहती थी ना पाकिस्तान में. फिर धीरे 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 इनको किसका पार्ट बनाया? इंडिया का. और उसके बाद अब पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर गवर्नमेंट जो है, दैट वॉज नॉट सफिशियंट एट दैट टाइम. सो दैट्स वाई सेंटर गवर्नमेंट डिवाइडेड इट्स पावर्स. पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है? सबको होल्ड किया हुआ.
होल्ड का मतलब है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है ये मोर पावरफुल है एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लेस पावरफुल. दीज आर सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज लेस पावरफुल. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, अगर देखा जाए यूपी, यूपी के टोटल कितने एमपी हैं, 80 to 90 एंड पंजाब 13, कहां पे 543 क्या है मेंबर ऑफ. अब आप खुद सोचो कि 543 में यूपी को 80 to 90 मेंबर्स हैं एमपी और पंजाब के 13, तो ये क्या है डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस कह लो ना, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस क्यों है, गवर्नमेंट ने कहा है कि यूपी का एरिया पंजाब से पॉपुलेशन साइज बड़ा, लेकिन ऐसा यूएसए के केस में नहीं, चाहे स्टेट का साइज बड़ा है या छोटा है वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू ऑल द स्टेट्स. होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि ऐसी फेडरेशन जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर सुप्रीम एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एमपीज जो है दैट इज नॉट सेम. अब यहाँ पे देखो पंजाब की बात करें तो 13 है, अब गोवा है, गोवा क्या है स्मॉलेस्ट स्टेट, उनका कितना होगा ओनली 1, कहने को गोवा भी स्टेट है. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में तो और कम है, राजस्थान राजस्थान के ज्यादा है. मीन्स पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने नंबर ऑफ एमपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ. ऐसी फेडरेशन जहां पे होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है सेंटर गवर्नमेंट ने अपने आप को एक जिसे हम कहते हैं कि डिवाइड करने के लिए स्टेट्स में डिवाइड डिवीजन की, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता, कमिंग टुगेदर में ऑल आर इक्वल. इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की पावर सेम है एंड नंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उनकी भी पावर्स, नंबर ऑफ जो एमपीज हैं उनका भी सेम, तो दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर. अब थ्री कंट्रीज लिखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन अदर देन यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. अदर देन यूएसए, स्विट्जरलैंड में है 26 कैंटन्स. हमारी कंट्री में हम कहते हैं पंजाब स्टेट, स्विट्जरलैंड में स्टेट्स को बोलते हैं कैंटन्स, CANTONS कैंटन्स. ऑस्ट्रेलिया में है 8, कहने को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो ये सोचो कि ऑस्ट्रेलिया इज अ काइंड ऑफ कंट्री बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट एंड होल ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स, 8 parts है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है स्टेट्स, हाँ जी. अब इसी के रिलेटेड नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल. इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता ना तो मैंने आपको अलग अलग हेडिंग्स करवाए थे, लिस्ट सिस्टम, सेकंड मैंने बताया था दैट यूटी हैज बीन गिवन अ स्पेशल पावर्स, थर्ड इज अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज रोल ऑफ जुडिशरी. अब हम इसको 1 mark के अकॉर्डिंग करते हैं. यूनियन लिस्ट, सबसे पहले यूनियन लिस्ट आपने रिकॉग्नाइज करना है. द लिस्ट कंटेन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ बैंकिंग करेंसी रेलवे इज कॉल्ड यूनियन. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ यूनियन लिस्ट, सेंटर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पूरी कंट्री में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ नहीं, सब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे रेलवे, डिफेंस, करेंसी. ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है, सेंटर गवर्नमेंट. तो सेंटर गवर्नमेंट में जब भी बात आती है सेंटर गवर्नमेंट में कौन है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. क्योंकि पूरी कंट्री की इंपॉर्टेंस जो है डिफेंस सिक्योरिटी, क्या पंजाब की कोई अपनी आर्मी है, पंजाब की अपनी आर्मी, पंजाब की पुलिस है, पंजाब आर्मी, सुना कभी आपने, नहीं. आर्मी जो है दैट इज नेशनल लेवल एनडीए, अगर आपने आर्मी में अगर जाना है तो आपको नेशनल लेवल पर टेस्ट देना पड़ेगा, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी. पंजाब की कोई अपनी आर्मी नहीं है, ठीक है, पंजाब की पुलिस है तो उसको हम अलग से सब्जेक्ट करते हैं. नंबर वन,
डिफेंस, रेलवे। क्या पंजाब की अपनी कोई रेलवे है? पंजाब रेलवे सुना कभी? हमेशा क्या सुना है? इंडियन रेलवे, दैट इज अंडर सेंटर गवर्नमेंट। अगर आपने रेलवे में, अगर आपने रेलवे में जॉब करनी है ना, तो यू विल बी गिवन सैलरी बाय सेंटर गवर्नमेंट, और उसके लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। कौन सा? ऑल इंडिया रेलवे टेस्ट। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता, उसमें आपको जो है वो ऑल इंडिया एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन उसमें होती है। तो कुछ हमारे कंट्री में सब्जेक्ट्स हैं, दी सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, एंड विच गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट? सेंटर, सेंटर स्टेट और लोकल सेंटर। ठीक है, अब आगे आ जाओ स्टेट, स्टेट लिस्ट। विच सब्जेक्ट्स कंटेन इन द स्टेट लिस्ट? सब्जेक्ट्स लिखो कौन कौन से हैं। पुलिस, पुलिस, पंजाब पुलिस। अगर कोई पर्सन पंजाब पुलिस में, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी? पंजाब गवर्नमेंट। तो इट मीन्स पंजाब गवर्नमेंट कैन मेक एनी लॉ रिगार्डिंग पुलिस। ठीक है, पुलिस, देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, नहीं इंडिया की होती है क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का इशू देखो, सपोज पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पंजाब के फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपर जो कंपनसेशन मिलेगा और पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो जाएगा, तो दैट डिसीजन इज टेकन बाय ओनली पंजाब। मे बी हरियाणा को ना मिले, राजस्थान को ना मिले, बिकॉज दिस डिसीजन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली पंजाब। इसका मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिनके रिगार्डिंग पंजाब या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले सकती है, बट नॉट ऑल, सम ऑफ द इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज इरीगेशन। यही मैंने आपको बताया, इरीगेशन, इरीगेशन, इरीगेशन से रिलेटेड जो लॉज हैं पंजाब गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, तो ये किसमें आता है? स्टेट लिस्ट। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंटर, स्टेट और लोकल? स्टेट, स्टेट लिस्ट। थर्ड आ जाओ कंकरंट, हाँ स्टेट इलेक्ट, आपने आपका बिल जो है ना उस पर देखना क्या लिखा होता है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, आगे आ जाओ कंकरंट। कंकरंट में दोनों ही गवर्नमेंट बना सकती हैं, सेंटर भी एंड स्टेट भी। कौन कौन से इश्यूज? एजुकेशन, एजुकेशन देखो, अब एट ए टाइम जलंधर में ना तीन तरह के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल टोटली रन बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई रन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईसीएसई। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्वेंट स्कूल जो इसमें आते हैं। अब एजुकेशन का मतलब है बोथ पंजाब बोर्ड जो है वो भी और सीबीएसई बोर्ड। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने लर्न करने के लिए कि एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आती है, कंकरंट। इसका मतलब है एजुकेशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कौन फॉलो करेगा? होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसको फॉलो करेगी, इसका मतलब पंजाब बोर्ड जो है, पंजाब स्कूल पीएससी भी जो है किसको फॉलो करेगा? सीबीएसई। अभी रिसेंटली 10th में जो चेंजेस आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट इट आल्सो बी फॉलोड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लाइक जो आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है एमसीक्यू, तो दिस विल बी फॉलोड बाय द पंजाब स्कूल्स आल्सो बिकॉज दे हैव टू फॉलो। नो डाउट हम ये कह सकते बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। लॉज का मतलब क्या है? जैसे ये देखो 10th का मैथ साइंस क्या है, सेम होगा, देखना मैथ साइंस सेम होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं, दैट डिसीजन इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। उनकी हिस्ट्री में पंजाब हिस्ट्री ज्यादा, अगर आपने 10th क्लास में किसी पंजाब बोर्ड के जो बच्चे हैं ना उनकी बुक देखी होगी ना, उसमें पंजाब हिस्ट्री ज्यादा, तो उसमें यूरोप और ये इंडिया वाले चैप्टर्स नहीं होंगे, उसमें पंजाब हिस्ट्री ज्यादा होगी क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट को इम्पोर्टेंस। आईसीएसई में, आईसीएसई में जो आपकी सीबी जो है आपका सोशल है ये पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री, इससे बहुत वास्ट फॉरेन, फॉरेन ज्यादा कल्चर। सेंटर, सेंटर, सेंटर भी है। अब आप देखो कि हमारे जलंधर में कई ऐसे स्कूल्स भी हैं, कैम्ब्रिज वगैरह भी, वो इंटरनेशनल, दे आर फॉलोड बाय, उनका अपना इंटरनेशनल करिकुलम। बेटा वो ब्रांचेस हैं, उनकी ब्रांचेस हैं कैम्ब्रिज, तो कैम्ब्रिज जो सिर्फ इंडिया में नहीं और भी कंट्रीज में ऐसे है।
बट दे हैव टू फॉलो, उनका जो सिलेबस है करिकुलम है वो सीबीएसई वाला ही होगा, काइंड ऑफ लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बाकी सारा सेम ही होता है, ठीक है। एजुकेशन डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती है ना। हाँ जी, नेक्स्ट इज, इसके अलावा एजुकेशन के अलावा कुछ और सब्जेक्ट लिखो। फॉरेस्ट, बोथ कैन मेक लॉ, सेंटर एंड स्टेट, याद रखना। फॉरेस्ट कोई भी इशू होता है, फॉरेस्ट पॉलिसी, बोथ सेंटर एंड स्टेट, जहां पे बोथ आ गया मतलब कंकरेंट। देन ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस, जैसे अगर इंडिया में होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर स्टेट की बात आती है, पर्टिकुलर स्टेट है तो पंजाब गवर्नमेंट। सपोज पंजाब के फॉरेस्ट का रिक्वायरमेंट चाहिए कि 33 होने चाहिए लेकिन 29% है, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट टू प्रोमोट ट्रीज ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट एक और टॉपिक लिखो, मैरिज एंड एडॉप्शन, मैरिज एंड एडॉप्शन लॉ, ये भी कंकरेंट में आता है। हमारी कंट्री में मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग मैरिज इश्यूज, एडॉप्शन। सपोज मैरिज का एग्जांपल क्या है, सपोज गर्ल यहाँ से है, फॉरेन कंट्रीज में गए, वहां पे एनआरआईज हैं, तो उन्होंने क्या किया, गर्ल्स दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये क्या स्टेट का इशू बनेगा सेंटर का बनेगा, बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर। सपोज द गर्ल इज फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब से भी है, एंड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो बोथ कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब होता है मैरिज एंड एडॉप्शन, ये दोनों जो हैं उनके ऊपर लॉ कौन बनाता है, सेंटर एज वेल एज स्टेट, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज रेजिड्यूरी, RESIDUARY, रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी का मतलब होता है जो बच गई, जो सब्जेक्ट बच गए हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंपॉर्टेंस में आए, साइबर, साइबर लॉ, नेट सिक्योरिटी जैसे होता है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर पार्क्स, चंडीगढ़ में आईटी सेक्टर है, गुड़गांव में है, तो इनके रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, दीज विल बी टेकन बाय ओनली ओनली यूनियन गवर्नमेंट। याद रखो, रेजिड्यूरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें लॉ बनाने का राइट किसका है, किसका है, यूनियन और सेंटर गवर्नमेंट। कौन कौन से इश्यूज, साइबर लॉज, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फीचर जो है इसका, यूनियन टेरिटरीज। इन आर कंट्री यूनियन टेरिटरीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, these are directly controlled by center government, union territories are controlled by center government, union territory se related koi bhi law jo banta hai that is passed by center government, and in union territories ko proper observe karne ke liye governor jo hai, theek hai, wo sari reporting kisko karte hai, president ko। हर यूटी के अपने अपने गवर्नर जो है, पंजाब के गवर्नर कौन है, मिस्टर वीपी बदनौर, तो वो गवर्नर जो है वो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एंड इनडायरेक्टली चंडीगढ़ में अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो उसकी रिपोर्टिंग किसको की जाएगी, प्रेजिडेंट। तो इट मीन्स चंडीगढ़ इज, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी है, नो डाउट वहां पे पंजाब का भी ऑफिस है, हरियाणा का भी ऑफिस है, बट दिस इज द टेरेटरी, जो ये टेरेटरी है दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंटर गवर्नमेंट। हाँ, दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली जो है दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट, वो यूनियन टेरिटरी, दैट इज यूनियन टेरिटरी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज चेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चेंजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिर्फ एक लेवल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, सेंटर और स्टेट, नो। तो व्हाट इज द राइट आंसर, बोथ द लेवल सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनकी दोनों की अप्रूवल चाहिए। हाउ, सपोज बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, बिल, इस बिल को क्या बोलते हैं,
अमेंडमेंट बिल। बच्चे क्या आर्टिकल 370 एक दिन में ही चेंज हो गया था, इसके लिए क्या किया होगा, इसको क्या बनाया होगा, इसका अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले किसी भी हाउस में, क्योंकि मनी से रिलेटेड नहीं है, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, फॉर एग्जांपल लोकसभा। लोकसभा से ये पास होकर कहां पे गया, राज्यसभा। इसके साथ साइड बाय साइड बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां पे भी इसको डिस्कस किया होगा, वहां पे भी इसको 2/3 मेजोरिटी से क्या किया गया होगा, पास। आफ्टर साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट देन दिस जो बिल है ये क्या बना, लॉ। सो देयर इज अ टफ प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग अमेंडमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। इसके अलावा और किसी अमेंडमेंट का नेम जानते हो आप, 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट गर्ल्स आर गिवन इक्वल असेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, विडोज एंड इवन daughters, they can get equal property rights. So that is a result of 2005 Women Succession Amendment Act. Recently farmers chahte hain ki bill mein kya kiya jaye, amendment change kiya jaye. So that's why they are opposing the government. Wo constitution mein change chahte hain ji, sugar cane ke price jo hain uske karan wo chahte hain ki amendment ki jaye. Ek aur amendment jo hai GST, क्या जीएसटी आज से 20 इयर्स पहले बच्चों को पता होगा जीएसटी क्या होता है, दैट इज अ अमेंडमेंट। ठीक है, ग्रॉस सर्विस जो है वो टैक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा सुनो, एक और चीज है, राइट टू प्रॉपर्टी। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट नाउ इट हैज बीन अबॉलिश रिसेंटली। एक और जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पहले नहीं था, ये चेंज किया। इसका मतलब है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जाता है दैट इज अ कॉल्ड अमेंडमेंट, उसको अमेंड किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है इट इज नॉट बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ सेंटर एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। अब आगे आ जाओ, लास्ट टॉपिक, प्रैक्टिकली हमारी कंट्री में फेडरलिज्म को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। नंबर वन, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बच्चे पहले हमारी कंट्री में 25 स्टेट्स थी, फिर उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड, है ना, तो इन स्टेट्स को ऐड किया गया तो हो गई हमारी कंट्री में कितनी, 28। 3 स्टेट्स को ऐड किया गया, उसके बाद एक और कंट्री स्टेट को ऐड किया गया तेलंगाना, टोटल कितनी स्टेट्स हो गई, 29। क्यों स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में क्या डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज, कल्चर, हाँ यस, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, कल्चर, है ना। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे, ठीक है, या फिर आप गुजरात जाते हो तो वहां पे आपको सारी कम्युनिटीज एक जैसी मिलती है। वो अलग बात है कि आज के टाइम पर मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो चुका है, लेकिन साउथ इंडिया में जाओगे आप अपने आप को वहां पे डिफरेंट फील करोगे। अर्लियर यू नो फर्स्ट बिफोर 1966 पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल जो थे दैट वाज कंबाइंड स्टेट, एक ही स्टेट था। एट दैट टाइम पीपल दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लैंग्वेज। जो हरियाणा की साइड है उनको पंजाबी नहीं आती, हिमाचल की जो साइड है उनको पंजाबी नहीं आती, तो उसके बाद फिर पंजाबी एरिया जो है, पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है उनको सेपरेट किया गया। एंड हम कब मनाते हैं पंजाब डे, 1 नवंबर। और कब बना था पंजाब, 1966। These three areas जो थे, पहले ये वन एरिया यानी कि सिंगल था, नाउ दीज आर बीन डिवाइडेड इनटू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल। तो ये कौन करता है, इसके लिए एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड का नाम क्या है, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोर्ड। इस बोर्ड को कब बनाया, राइट डाउन डेट, 1 नवंबर 1956। और इस बोर्ड ने सभी स्टेट्स को प्रॉपरली रिसर्च किया
लैंग्वेज कल्चर और उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने स्टेट्स को डिवाइड। अब आप ये देखो, आंध्र प्रदेश से एक अलग एरिया तेलंगाना निकाल दियो, तो तेलंगाना के लोगों ने क्यों ऐसा स्ट्रगल किया? आपने एट्थ में पढ़ा होगा, एट्थ में पढ़ा था ना कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो है वो लोगों की डिमांड क्या होती है कि वो लैंग्वेज स्पीकिंग एरियाज जो है वो चाहते हैं। सपोज श्रीलंका, श्रीलंका में तमिल लोग क्या चाहते थे? कौन सी स्टेट? तमिल एलम। वो चाहते थे कि तमिल स्पीकिंग एरियाज अलग होने चाहिए, तो लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री में क्या किया है, स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे, अगर तो आपने वहां के लोकल स्कूल में पढ़ना है तो यू नीड टू लर्न मराठी, लेकिन अगर आप किसी सीबीएसई स्कूल या आईसीएसई में पढ़ोगे तो नो नीड, ऑप्शनल होगा। तो ये गवर्नमेंट ने कितना जो है वो लोगों को इसके लिए जो है वो बेनिफिट दिया। हरियाणा में पंजाबी कंपल्सरी नहीं होगी, ऐसे पंजाब में अगर देखा जाए 10th क्लास में 9th 10th में, जैसे हमारे मतलब स्कूल में सपोज कोई बच्चा है, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया में लोगों को हिंदी नहीं आती, तो साउथ ऑप्शंस दिए गए हैं। ये बच्चे आप ये देखो, देयर इज अ लिस्ट ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस इन योर बुक, दीज ऑल लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन ऑप्शन। कल को आप नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी पेपर देते हो ना, तो यू कैन ऑप्ट एनी वन। इस एनी वन में बेटा हिंदी भी है, पंजाबी भी है, ऑप्शनल है। हाँ, ये इसलिए किया गया है ताकि कल को आपको ऑल इंडिया लेवल के पेपर में कोई प्रॉब्लम ना। सो दैट इज वाई आपको पता है हमारी कंट्री में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल? 22, 21 रीजनल एंड वन इज हिंदी। कल मैं डिस्कस करूंगी ये, ठीक है।